गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमें पानी से भरपूर फल तरबूज दिया है। तरबूज में 97% मात्रा में पानी पाया जाता है। कितने ही आश्चर्य की बात है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो रस भरे फल एवं सब्जियाँ भी प्रकृति से हमें मिलती हैं। उन्हीं में से तरबूज भी एक फल है। तरबूज खाने में जितना अधिक स्वादिष्ट होता है उतना ही लाभकारी भी होता है, जो कि हमें गर्मियों में ठंडक का एहसास कराता है। अब आइए जानते हैं किस प्रकार तरबूज हमारे लिए फायदेमंद है। वजन को कम करने के लिए तरबूज काफ़ी फायदेमंद है। क्योंकि तरबूज में 97% मात्रा में पानी होता है, इसलिए इसे खाने से पेट जल्दी भर जाता है और हम ज़्यादा खाना खाने से बचते हैं। तरबूज में सिट्रुलिन नामक एक तत्व होता है, जो कि शरीर में चर्बी जमा नहीं होने देता है तथा हृदय के कार्य में भी सुधार लाता है। तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है तथा यह ग्लूकोज की मात्रा को भी कंट्रोल रखता है। तरबूज बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए तरबूज आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काफ़ी लाभदायक है तथा इसमें लाइकोपीन एवं विटामिन ए का मिश्रण भी पाया जाता है, जो कि रतौंधी एवं मोतियाबिंद जैसी बीमारियां नहीं होने देता। यह शरीर से विषैले हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इससे लीवर एवं किडनी स्वस्थ रहते हैं। यह यूरिक एसिड को कम करता है एवं गुर्दे की सूजन को भी कम करता है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन एवं लाइकोपीन होते हैं। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि कैंसर होने की संभावना को कम करता है। तरबूज खाने से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, गर्भाशय एवं फेफड़ों के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि तरबूज खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उन्हें तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज में लाइकोपीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऐसे में शराब पीने वाले लोगों को तरबूज खाने से लीवर में सूजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शुगर के मरीजों को तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। तरबूज में शुगर की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। रात के समय तरबूज नहीं खाना चाहिए, इससे लूज मोशन की समस्या हो सकती है। तरबूज खाने का सही समय सुबह या दोपहर का होता है। तरबूज खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, अन्यथा हैजा की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।